हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अप्रैल 2022 की लव टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अप्रैल 2022 की लव टैरो रीडिंग। चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि अप्रैल 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे तीन सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं लियोज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं रीयूनियन एंड द टावर। और देखिए, टावर का कार्ड कहीं एक उथल पुथल, एक अनस्टेबिलिटी, एक डिसकंफर्ट महसूस करने की या फिर होने की बात करता है। और देखिए, जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन टावर का कार्ड कहता है कि पीछे किसी चीज़ को किसी लेवल पे आप सप्रेस कर रहे थे, जिसकी वजह से एक सफोकेशन, एक घुटन भी आप महसूस कर रहे थे, उसी एनर्जी को कहीं आप वेंट आउट करना चाह रहे हैं। और देखिए, ये भी सबके लिए डिफर कर सकता है। कुछ लोगों के लिए गुस्सा हो सकता है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, जिसको आप सप्रेस कर रहे थे और कुछ टाइम से या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में अगेन आप वेंट आउट करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लव, प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स हो सकती हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि किसी चीज़ का वेंट आउट आप करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, और बहुत सडन हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका तरीका इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, किसी लेवल पे रफ है। और देखिए, डीपर लेवल के लिए रीयूनियन का कार्ड कहता है कि पीछे किसी भी तरीके का डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया। और देखिए, यहाँ पे भी सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है। कुछ लोगों के लिए फिजिकल लेवल पे हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इमोशनल मेंटल लेवल पे हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लिटरली अगर आपका ब्रेकअप हुआ था तो आप कहीं रीयूनियन चाहते हुए दिख रहे हैं, फिर से एक टुगेदरनेस, फिर से अपने पार्टनर का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को रिजॉल्व करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे टुगेदर फॉरएवर का कार्ड भी हमेशा के लिए अपने पार्टनर का साथ चाहने की बात करता है। लेकिन देखिए, सरफेस लेवल के लिए फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि अगेन देखिए, डीपर लेवल के लिए आप एक टुगेदरनेस चाह रहे हैं, सरफेस लेवल के लिए आप उतने एक्शन इनिशिएटिव्स इस डायरेक्शन में लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपकी एक क्लिंगिंग वाली एनर्जीज हैं अपने पार्टनर के लिए, या फिर बहुत एक अटैचमेंट आप महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को बहुत टाइटली आप पकड़ के बैठे हुए हैं। और देखिए, फिर से ये भी थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर कर सकता है। कुछ लियोज के लिए अपने पार्टनर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लियोज के लिए पुरानी कोई बात, कोई आदत, कोई बिहेवियर, अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं। और कहीं एंड अप्रैल के लिए यहाँ पे प्रोटेक्शन एंड टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि आप किसी भी हालत में इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, और इसीलिए कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। और देखिए, ये नई बिगनिंग भी बहुत कंफर्टेबल रहती हुई नहीं दिख रही है। कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है इस एंडिंग और इस बिगनिंग को करना। और अब देखते हैं लियोस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो देखिए, आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है नाइन ऑफ वॉन्स, और ये कार्ड कहता है
कि पीछे हो सकता है आपके पार्टनर ने काफ़ी एफर्ट किए, काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए इस रिलेशनशिप के लिए, और उनको कहीं अप्रैल स्टार्टिंग में या कुछ टाइम से ऐसे लग रहा है कि उस तरीके का रिस्पांस आपकी तरफ से नहीं मिल रहा है जिस तरीके का वो चाह रहे हैं, और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी एक थकावट महसूस करते हुए दिख रहे हैं, किसी लेवल पे किसी चीज़ को लेकर हर्ट भी एक महसूस करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन गिव अप नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। और देखिए यहाँ पे क्लोजनेस का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि वो आपके साथ एक टुगेदरनेस चाह रहे हैं, एक इंटीमेसी चाह रहे हैं, कहीं अपने बॉन्ड को और बेटर करना चाह रहे हैं और ज़्यादा चीज़ों को समझना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए उनकी तरफ से भी कहीं मिड अप्रैल में उतने इनिशिएटिव्स, उतने एक्शन नहीं रहते हुए दिख रहे हैं, कहीं वो आपका इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए जैसे कि हमने नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में देखा कि उनको ऐसे लग रहा है कि भाई उन्होंने पीछे बहुत एफर्ट करे हैं और अब आपकी तरफ से एक इनिशिएटिव वो चाहते हुए दिख रहे हैं, या फिर आपका इंतजार किसी चीज के लिए या फिर किसी भी चीज का इंतजार हो सकता है देखिए कर रहे हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और कहीं देखिए एंड अप्रैल के लिए लव लैंग्वेज एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहते हैं एक गिव एंड टेक आपके साथ वो रखना चाह रहे हैं, और हो सकता है कि देखिए फाइनली एंड अप्रैल में उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव रहे, लेकिन बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से ये इनिशिएटिव वो लेना चाह रहे हैं, बहुत एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच वो रखना चाह रहे हैं, और देखिए आप ही की भाषा बोलते हुए दिख रहे हैं, जैसे जैसा आप चाहते हैं वैसा ही वो कहते हुए या करते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप को बेटर करना चाह रहे हैं, कहीं चीजों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। और अब देखते हैं लियोस की अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए अप्रैल मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं स्प्रिट मैसेज एंड स्नोफ्लेक। और देखिए स्प्रिट मैसेज का कार्ड कहता है कि डीपर लेवल के लिए आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि इस रिलेशनशिप में इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। और देखिए स्नोफ्लेक का कार्ड भी कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लगता है कि भाई ये रिलेशनशिप बहुत बहुत स्पेशल है, और ऐसा रिलेशनशिप बहुत ही कम लोग शेयर करते हैं, या फिर आपके पार्टनर जैसे बहुत ही कम लोग इस दुनिया में हैं। और देखिए अगेन डीपर लेवल के लिए एक बहुत ही स्पेशल फीलिंग होने के बावजूद, लव केयर महसूस करने के बावजूद भी सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से आप लोग चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, और कहीं मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें आप दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट हो रही हैं। और ये भी देखिए थोड़ा थोड़ा सबके लिए रिफर कर सकता है, कुछ लियोज या फिर उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट को, अपने करियर को, अपने वर्क को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को कैसे बेटर करें उसी से रिलेटेड किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, नहीं तो अपने लव्ड वंस के साथ आप डिस्कस कर रहे हैं। और देखिए टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं फैमिली का भी कार्ड होता है, तो यहाँ पे मिड अप्रैल में या अप्रैल मंथ में आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस भी रहती हुई दिख रही है, नहीं तो देखिए एक गेट टुगेदर, एक रीयूनियन, एक सेलिब्रेशन भी रह रही है, जिसमें हो सकता है अगेन मैं कहूँगी कि फैमिलीज की इन्वॉल्वमेंट रह रही है। और देखिए लॉन्ग टर्म आप दोनों चाहते हुए दिख रहे हैं, फिर से मैं कहूँगी कि कॉन्क्रीट चीज़ें, रियलिस्टिक चीज़ें इस रिलेशनशिप के लिए चाह रहे हैं। और देखिए इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी हैंगमैन रिवर्स का कार्ड कहता है कि कुछ कॉम्प्रोमाइजेस, कुछ एडजस्टमेंट्स अगर करने पड़ें तो आप दोनों ही करने के लिए रेडी हैं, और चीज़ों को डील करने का परसेप्शन भी अगेन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बदलना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए साथ ही साथ सेल्फ लव का कार्ड कहता है
कि अगेन आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लग रहा है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है खुद को प्रायोरिटाइज करना, बहुत इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा सेल्फ केयर या सेल्फ लव पे भी अटेंशन देना। और देखिए ऐसा अगर आप लोग कर रहे हैं लियोस, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब तक हम खुद को प्यार नहीं करते हैं तब तक हम किसी और को लव कर भी नहीं पाते हैं। और ये चीज़ जब भी हम रिलेशनशिप्स में इग्नोर करते हैं तभी कहीं प्रॉब्लम्स और इश्यूज भी होते हैं। तो देखिए एक बैलेंस दूसरे इंसान को लव करना और खुद को लव करने में हमें हमेशा मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि अगेन मैं कहूँगी, मैंने हमेशा कहा है कोई चीज़ कितनी भी अच्छी हो लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो चीज़ों को ख़राब करती है। इसी तरीके से अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा सेल्फ लव करते हैं तो भी कहीं मसले होते हैं, इश्यूज होते हैं। और जब हम ज़रूरत से ज़्यादा अपने पार्टनर को अटेंशन देते हैं, उनकी लव और केयर करते हैं, तब भी रिलेशनशिप में इश्यूज और मसले होते हैं। तो देखिए एक बैलेंस तरीके से आप चीज़ों को ज़रूर डील करें। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए अप्रैल 2022 की लव टैरो रीडिंग। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।